बहुत वधिया बहुत वधिया। असीं अपने आप नूं बहुत लक्की समझदे हां कि सानूं इत्थों दे दर्शन दीदारे मिले गुरु साहिब। अस्सलाम वालेकुम, सति श्री अकाल दोस्तो, मैं हां अहमद रज़ा और इस वेले असीं खड़े हां गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाणा साहिब। इत्थे विसाखी दीआं सैलीब्रेशन चल रही हैं और मुख्तलिफ देशों विदेशों तो इत्थे लोग पहुँचे हुए हैं। संगतां दे नाल असीं गलबात तुहाडी करवा रहे हैं। इस वेले मैं दर्शन दीदार करके तो असीं वापस मुड़ रहे हैं तो सानू एक बाई जी साहब इत्थे फुल सुटते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने नाल साडी बहन जी भी हैं, इन्हां दे घरवाली हैं। इन्हां नाल गल करते हैं कि ए इन्हां दी की कोई दिली मुराद सी, ये की ख्वाहिश है फुल सुटना, ये पिछे की फलसफा जी। भाजी पहले दसो कि कित्थों आना। वाहिगुरु जी की फतेह। जी असी अमृतसर पंजाब तो आए हैं। अमृतसर तरन तारण जिला है, तरन तारण तहसील पट्टी है, तो उतों असी आए। यह जिहड़ा फुलां फुल सुटन का है, ये की ख्वाहिश सी जी? फुल सुटन का की है जी, सत्कार होंदा है साढ़े धर्म के मनते भी विच संगत हर प्रभ वसा जी, भी जो संगत है उनके ही परमात्मा का वासा है, जो खलकत है खुदा की बनाई उ परमात्मा का वासा है। खुदा कहते किसी मंदिर मसीत गुरुद्वारे च नहीं वसता, खुदा लोगों के दिलों के अंदर वसदा है। सो ये कह दो भी असं एक परमात्मा का सत्कार तो जिन्ना कर सकते हैं, असी दे उन्हें कुछ भी नहीं सकते, है तो उन्हें तो मंगने वाले, बट अपने वालों जिन्ना सत्कार कर सकते हैं वो सत्कार वजों फुलों की वरखा संगत की जा रही। बुनियादी तौर पर यह है कि ये एक सांझे तौर पर है, ये कोई वंड नहीं है, जिहड़ी संगत आएगी तुसी उन्हें तो सुट रहे हो फुल नहीं। वंड साढ़े धर्म ने जिन्हें जो की है ना, भी धर्म तो कोई भी वंड नहीं सी, गल कर रहे गुरु नानक साहब ने ही वंड ही खत्म की है लोगों के, उच्चा नीवा कोई पवित्र है कोई अपवित्र है, ये चीज़ा खत्म करने गुरु नानक साहब आए सी। सो साढ़े लिए सारे एक ही ने, चाहे वह मुस्लिम है चाहे हिंदू है चाहे सिख है चाहे कोई भी क्रिश्चन है, जी जो खुदा की खलकत है वो एक है। असी उन्होंने खलकत को खुदा के रूप से देखते हैं, परमात्मा के रूप से देखते हैं। सो परमात्मा एक है तो खलकत भी एक है। बहुत सोहनी गल। तो तुम दसो भैन जी कदों आयो, कितने दिन हो गए तुम? असीं राती इत्थे 11:30 बजे पहुँचे सी। किवें दा लग रही है इत्थे आना ते सारे दर्शन करने? बहुत वधिया बहुत वधिया। असीं अपने आप नूं बहुत लक्की समझदे हां कि सानूं इत्थों दे दर्शन दीदारे मिले गुरु साहिब जी दे। ते तुसीं पहली बार आए हो? हांजी हांजी, असीं पहली वारी आए हैं। ते पहले की सुनिया सी इत्थों आण लग्गिआ और उत्थों जदों आ रहे सी ते जरी जी गल है नाल दे तुहाडीआं सहेलियां ने उन्होंने कोई फरमाइशां भी कीतीआं होणगीआं कि उत्थों फलां चीज़ लै के आना फलां चीज़ लै के आना, उस दे बारे कोई दसो जी। हाँ जी, सारे कहते सी उतों के जेडे है दुपट्टे वगैरह है, दुपट्टे जे खास है कि दुपट्टे वगैरह लैके आना। साढ़े तो पहला फैमिली के बच्चों साढ़े फादर साहब आए थे पहले दो बारी, उन्होंने सानू सारा सुजैसट किया सारे गुरुद्वारे साहब जी के दर्शन करके आने, असी सारा सानू पता से हूँ। इस तो बाद असी जे 6 गुरुद्वारा साहब है उन्होंने दर्शन कर चले हैं जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਕੀ ਚੋਂ ਟੋਟਲ 7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਖਲਕਤ ਨੂੰ? ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਢੱਠ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ